काबिले कदर हेडमास्टर साहब और साथी इकराम और लीगल सर्विस कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आए हुए मेहमान ग्रामीण, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की किस्मत में जवाल आता है। हमारे लिए जो आइन हिंदुस्तान का बना हुआ है उसमें 21A के तहत 6 से लेकर 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको तालीम देनी होती है हुकूमत को। 21A आर्टिकल 21A 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को इल्म दिलवाएगी कौन? गवर्नमेंट। तो बगैर इल्म के जो है वो ना कोई आदमी अपने माँ बाप को पहचान सकता है, ना अपने खुदा को पहचान सकता है जिसकी हम तख्लीक हैं। तो इल्म इतना ज़रूरी है और इस ज़रूरी चीज़ को सिखाने के लिए हमारे आइन ने हमें खुली एहतियात दिए हुए हैं। हमें ये पैगाम जो है अपनी कौम, अपने गांव के अंदर हर बच्चे तक पहुँचाना है कि जो स्कूल में नहीं आता है उसको ये चीज़ समझानी है कि आपके लिए जो एजुकेशन है वो फ्री है स्कूल में। सिर्फ स्कूल में आपको दाखिला जो कभी कभी लेते थे वो दाखिला भी आज के दौर में नहीं लिया जाता है, यानी यूनिफॉर्म और आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, आपका स्कूल जो उसके बावजूद के प्राइवेट स्कूल में आप देखते हैं कि कितनी फ़ी लेते हैं मंथली, यहाँ पर आपकी कोई मंथली फ़ी नहीं ली जा सकती। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है 21A, उसमें ये बताया गया है कि हुकूमत जो है हमारे हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो फ्री एजुकेशन देने के लिए तैयार रहनी चाहिए और फ्री एजुकेशन उसको देनी है। तो आप ये बात है कि अगर फ्री एजुकेशन है तो फिर हम क्यों ना पढ़ें? और एजुकेशन के बगैर आज के दौर में जो है इंसान खास करके ये जो फास्ट गोइंग पीरियड है आज के दौर का, जिसमें हमारे पास नेट इंटरनेट की फैसिलिटीज हैं और इसमें जो है हम मोबाइल से भी सीख सकते हैं बहुत सारी एजुकेशन, तो गूगल के अंदर हमारे हर सब्जेक्ट के जो है आंसर मौजूद होते हैं, वो भी हम सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, स्कूल के अंदर क्लासेस होती हैं और समग्रा के अंदर जैसा कि अभी मुस्तफ़ा साहब बता रहे थे कि बड़े जो है स्कीम्स ऐसी हैं कि जिस स्कीम के तहत आप बच्चों को टूर एजुकेशन टूर करवाया जाता है और जो है सिम्पोजियम करवाए जाते हैं और लिटरेसी वर्कशॉप जो है होती हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद